उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दर्जनों से अधिक गाड़ियां ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। दरअसल घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के चार खंबा के निकट यूपी स्कैम ट्रेडर्स की है, जहां बीती रात 2 बजे का कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग लगने से पास पड़ोस में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से अधिक गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पा सकी, लेकिन तब तक कबाड़ की दुकान का लगभग 10 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं दुकान मालिक नजर बेग उर्फ बबलू ने दुकान में आग लगाए जाने की आशंका जताई। वहीं आग इतनी विकराल थी कि अभी भी बुझाने का प्रयास जारी है। बबलू भाई, जिस तरीके से ये आग लगी है यहाँ, क्या वजह है, किस वजह से? हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आग किसी ने लगाई है। मतलब ये आपको अंदेशा है कि किसी आग लगाई है? ठंड के टाइम में कहाँ आग लग जाती है, मेरे यहाँ लाइट भी है नहीं। तो इसमें आपका कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग 10 से 12 के आसपास। मुझे तो नहीं पता, रात को हम लोग घर पे सो रहे थे, तब हम आप घर पे मोहल्ले वाले पहुंचे कि आग लग गई आपके यहाँ। मैं देखने आया था यहाँ, तो भयंकर तरीके से आग लगी हुई थी। तो इसमें कुछ अनुमान है आपका, क्या नुकसान हुआ, किस तरीके से? नुकसान तो अपना सब हम रिकॉर्ड कर चेक करेंगे, उसके बाद बता सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। तो मैं ये पुलिस को सूचना किस तरीके से दी गई, किस तरीके से लोग आए? मोहल्ले वालों ने दी, फायर ब्रिगेड वालों को भी और पुलिस को।